मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि विधायक प्राथमिकताओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए क्योंकि वे निर्वाचित प्रतिनिधि हैं और उन्हें संबंधित क्षेत्रों की विकासात्मक आवश्यकताओं और जन आकांक्षाओं की बेहतर जानकारी होती है। ये बात उन्होंने आज योजना विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये महसूस किया गया है कि विधायक प्राथमिकताओं में अक्सर विलम्ब हो जाता है क्योंकि संबंधित विभागों द्वारा समय पर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार नहीं की जाती है। विधायकों को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को अंतिम रूप देते समय विश्वास में लिया जाना चाहिए और इसे तैयार करने में विलम्ब के कारणों के बारे में भी उन्हें अवगत करवाया जाना चाहिए ताकि इस दिशा में उचित कदम उठाए जा सके। उन्होंने कहा कि विधायकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित कर योजना के बारे में जिला स्तर पर नियमित बैठकें आयोजित की जानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने उपायुक्तों को निर्देश दिए कि वे लीक से हटकर सोचें और अपने जिले में कम से कम एक विशेष योजना शुरू करें। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी ने समूचे विश्व को प्रभावित किया है जिसके लिए कोई तैयारी नहीं थी। उपायुक्तों को आगामी वित्तीय वर्ष के लिए बजट में शामिल करने के लिए अपने महत्वपूर्ण सुझाव देने चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य में लागू होने वाली सभी परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए प्रभावी निगरानी तंत्र भी विकसित किया जाना चाहिए। एफसीए और एफआरए स्वीकृतियों पर विशेष बल दिया जाना चाहिए क्योंकि इनके कारण कई बड़ी परियोजनाओं में विलंब हो जाता है। उन्होंने कहा कि विकासात्मक परियोजनाओं के निष्पादन में देरी की जांच के लिए जवाबदेही तय की जानी चाहिए। आरआईडीएफ एक्स एक्सवीआई के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग में 500 करोड़ रुपए की 114 परियोजनाएं जबकि जल शक्ति विभाग में 300 करोड़ रुपए की 137 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। इन परियोजनाओं को पूरा करने की अवधि 2020-21 से 2023-24 तक है। उन्होंने कहा कि नाबार्ड के अंतर्गत विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को निर्धारित समय पर तैयार करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना विभाग को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि कुल योजना आकार अनुसूचित जाति उपयोजना और जनजातीय उपयोजना में निर्धारित अनुपात में संलग्न हो। उन्होंने कहा कि कार्यान्वयन और निगरानी संबंधित विभागों द्वारा प्रभावी आकलन के साथ उसके लिए क्योंकि यहाँ से जब एमएलए प्रायोरिटीज की स्कीम्स की आपको जानकारी मिलती है क्योंकि वो रिफ्लेक्ट होती है बजट में भी हमारे बजट के जो हमारी जो एमएलए प्रायोरिटी के अंदर से वो स्कीम होती है वो होती है और बुक होती है तो उसमें अगर आप लोग डेप्टी कमिश्नर के लेवल पर जो है वो उसको सुनिश्चित करें नीचे के लेवल पर सभी एमएलए को बुला करके और सारे विभागों के अधिकारियों को बुला करके वहीं पर ही चर्चा करें तो मुझे लगता है कि उसमें जो इश्यूज छोटे छोटे काम को एमएलएस को भी लगेगा कि हमको कॉन्फिडेंस में लेकर के एक शुरुआत हुई। एक तो मुझे लगता है कि ये इनिशिएटिव करना ही चाहिए और उसमें आपको भी सुविधा रहेगी आपको आपको भी सुझाव आएंगे और सुझाव के माध्यम से व्यवहारिक चीजें जो एमएलएस महसूस करते होंगे उनको भी कहने का अवसर होगा और आप लोगों को भी जो कठिनाइयां काम करने की एग्जीक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन में आती है वो भी आपको उनके समक्ष कहने का एक अवसर होगा। कोऑर्डिनेशन की दृष्टि से मुझे लगता है कि तो बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए प्लानिंग डिपार्टमेंट की ये रेगुलर मीटिंग आमतौर पर बजट के आने से पहले होती है। इस पर बहुत सारी चीज़ों को लेकर के हमारी डिस्कशंस हुई हैं तो सुझाव की दृष्टि से बजट में क्या चीज़ें नहीं हो सकती हैं एक तो ये भी पार्ट हमने थोड़ा सा डिस्कस किया इसमें और उसके साथ साथ में हमारी जो प्रदेश की जितनी भी योजनाएं हैं जो नीचे ज़मीनी स्तर पर जब हम काम करते हैं उसमें डिले ना हो इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन एग्जीक्यूशन हो उस दृष्टि से कहाँ कठिनाई आ रही कहाँ उसमें हमको सुधार करने की ज़रूरत है इन सारी बातों पर भी विचार हुआ जिसमें डेप्टी कमिश्नर भी हमारे साथ कनेक्टेड थे। इन सारी चीज़ों को लेकर के विस्तार से बातचीत हुई है बहुत सारी बातें आई हैं डिटेल आपको उस पर मिल जाएगी लेकिन ये बहुत रेगुलर रूटीन मीटिंग एक बजट से पहले रहती है।